ये भी अपनी साथियों के साथ कुछ दिन बाद इधर आ जाएगी, फिर ये भी सेवा करेगी सबकी। पंजाबी महासभा नैनीताल हर साल खड़ी बाजार में लोहड़ी का आयोजन करती है। लड़ झगड़ रही हैं खाने के लिए, ब्रेड सूत रही हैं हाइब्रिड। हे गाइस, क्या हाल है सभी का? आई होप यू ऑल आर गुड। मैं हूं रोहित। सो वेलकम बैक टू दी वीडियो। तो आज नैनीताल शहर में धूप और छांव का खेल चल रहा है। सुबह से ही बादल लगे हुए थे और अभी अचानक से धूप आ गई है, फिर बादल लग जा रहे हैं। सो व्हाट्स हैपनिंग इन द टाउन, लेट्स सी। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। शनिवार का दिन है और करीब इस वक्त 1 बज रहा है। टेम्परेचर की बात करते हैं तो 12 डिग्री के आसपास इस वक्त हो रहा है। बादल लगे हुए हैं आज सुबह से ही। बाकी टूरिस्ट आज सैटरडे के हिसाब से, जिस तरीके का शहर में वीकेंड रहता है ना, क्राउड वैसा नहीं है फिलहाल अभी दिन में। शाम को कुछ ज्यादा भीड़ हो जाए तो वो अलग बात है। आज लोहड़ी का त्योहार भी है तो सभी देशवासियों को लोहड़ी की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। जब शाम को कार्यक्रम होगा तो हम उसको भी कैप्चर करेंगे। बाकी अभी थोड़ा बहुत हम लेक साइड चलते हैं और वहाँ का माहौल देखते हैं, वहाँ क्या हो रहा है। फुटपाथ वाले एरिया में आ गए हैं फिलहाल। अभी तो दुकानें लगी नहीं है, वही शाम को 4 बजे के बाद लगती हैं। इधर रहा ये पंथ पार्क, सूखा पड़ा हुआ है बिल्कुल। बारिश को तरसता नैनीताल, ऐसा कुछ हो रहा है। बारिश हो जाएगी तो थोड़ा जो आजकल डस्ट हो रहा है ना यार, अजीब ही सा एटमॉस्फेयर में, पूरे वातावरण में डस्ट डस्ट हो रही है। बारिश होएगी तो फिर थोड़ा सा साफ हो जाएगा। चलो देखते हैं आने वाले दिनों में बारिश पड़ती है तो। वैसे 24-25 में है अनुमान बारिश पड़ सकती है, बट मौसम का कुछ भरोसा नहीं। अगर अभी जैसे बादल लगे हुए हैं ना, आज देखो, आज ये जो आप कह रहे हो यार तो नीला आसमान दिख रहा है, मैं बादल कह रहा हूँ, लेकिन ये बादल लगे हुए हैं सुबह से ही, इसके वजह से हल्का सा ठंडा है। चाहे टेम्परेचर 12 डिग्री के आसपास हो रहा है बट फिर भी हल्का हल्का ठंडा है। दिन में ना इस एरिए की तरफ को निकलो, बड़ा ही उजाड़ जैसा लगता है यार, क्योंकि दुकानें लगी नहीं है। शाम को 4 बजे बाद यहाँ पर बहुत ज़्यादा चहल पहल होने लगती है। खैर, हमें तो दोनों ही चीज़ों की आदत है, इस टाइप की शांति की भी आदत है और जब यहाँ पर चहल पहल हो रही होती है ना तब भी, दोनों ही चीज़ें के अच्छा लगता है। फिलहाल अभी ठीक पीछे उधर ना अंकल गाना आना भी गा रहे हैं तो अभी उनकी तरफ को भी जाएंगे, बट इससे पहले ऐसा करेंगे पहले लेक साइड चलते हैं। थोड़ी बहुत रौनक इधर दिख रही है, नहीं तो आज पूरा ही हम अभी मॉल रोड की तरफ भी गए थे तो वहाँ कुछ ज़्यादा रौनक दिख नहीं रही थी। शाम को शायद हो जाएगी भीड़ भाड़ यार, अभी शाम का तो खैर फंक्शन भी है लोहड़ी का, तो उसको भी हम जाएंगे कैप्चर करने। बाकी लोग फोटोज वोटोज खिंचा रहे हैं, इस तरफ आके लोग इंजॉय करते ही हैं। मेन हब ही है नैनीताल एक तरीके से देखा जाए तो, और ये मल्लीताल वाला जो एरिया और यहाँ का बोट स्टैंड है, यहाँ पर से आके ही लोग शॉपिंग बोटिंग करते ही हैं। अरे यार क्या ही, मतलब कुछ भी बोल दे रहा हूँ यार मैं। सो कुछ ऐसा नज़ारा है आज नैनीताल लेक का। बोट्स काफ़ी दिख रही हैं, टूरिस्ट इधर काफ़ी दिख रहे हैं और इधर ये वाली बोट्स अभी मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते या 3-4 दिन पहले हमने दिखाई थी तो बड़ी जल्दी बनकर तैयार हो गई यार। वाह यार, अभी कुछ दिन पहले की तो बात है, मैंने देखी थी कि अभी शुरुआत हो ही रहा था, इसका फ्रेम बन रहा था और फटाफट बनकर तैयार है ये वाली बोट भी। ये भी अपनी साथियों के साथ कुछ दिन बाद इधर आ जाएगी, फिर ये भी सेवा करेगी सबकी। ऐसा भी है ना, समटाइम्स व्यूअर आस्क मी कि मेरे हिसाब से बेस्ट लोकेशन कौन सी है नैनीताल शहर के अंदर, कि वहाँ पर जाके हमें सब चीज़ें मिल जाए। तो आई थिंक कि अगर आपको थोड़ी चहल पहल देखनी है तो ये जो मेन एरिया है मल्लीताल में बोट स्टैंड, दिस इज़ द बेस्ट प्लेस। और बाकी जिन लोगों को थोड़ी शांति सी पसंद है, जिन लोगों को लोनलीनेस पसंद होती है, तो सामने वो पहाड़ दिख रहे हैं ना, उधर चले जाओ। वो है अपना ठंडी सड़क वाला एरिया, वहाँ पर थोड़ी ठंड भी महसूस कर लोगे, चाहे आप गर्मियों के टाइम पे भी आओगे। इस वक्त आओगे वहाँ पर को थोड़ा और ज़्यादा ठंडा लग सकता है। तो एक चीज़ और है, आप कोई भी कोने पर खड़े हुए होगे ना तो आपको ये मछलियाँ टूलते हुए दिख जाएंगी। ये दिख रही हैं, ये सही से दिख रही हैं, दिख तो रही हैं। चलो इनके पास जाया जाए, मुझे यहाँ से नीचे उतरना पड़ेगा। एक मिनट, चलो आ गए हम। सो हमारी देख के पहले ही भागने लग गई हैं मछलियाँ। ये कहाँ हैं? अरे इधर आ जाओ दोस्त, एक हाथ तो हेलो कर लो। सो ये है कुछ मछलियाँ, हाँ सही से दिख रही हैं, दिख तो रही हैं बहुत सारी। मैं बोल रहा हूँ हेलो कर लो दोस्त, मछलियों से हेलो करने को बोल रहा हूँ। तो ये हर कोने में दिख जाएंगी। उधर तो देखो, वहाँ पर टूरिस्ट उनको ब्रेड और मक्खन चाहे चाय हो वो फेंक रहे हैं, ये ब्रेड के टुकड़े। और उधर भाई गजब ही जमघट लगा होगा मछलियों का। चलो अभी उधर भी चलता हूँ और दिखाता हूँ कैसे लड़ झगड़ती हैं मछलियाँ। आ गए हम कोने में और इधर उछलती हुई हैं, दिख रही हैं ना मछलियाँ, भाई लड़ झगड़ रही हैं खाने के लिए। ब्रेड सूत रही हैं हाइब्रिड मछलियाँ, ब्रेड कुरकरे चिप्स जो खिलाओ सब खाती हैं। तो देखो एक एक करके एक के ऊपर एक चढ़े जा रही हैं, जो जो ब्रेड का टुकड़ा जिसको मिल रहा होगा, आधी तो खा भी नहीं पा रही होंगी मुझे ऐसा लग रहा है, और सभी ने जमघट यहीं पर लगा रखा है।
मछलियों को तो हमने देख ही लिया और अब आ चुके हैं जहाँ पर को अंकल गाना गा रहे हैं। एक आध मिनट अंकल के गीत सुनते हैं और उसके बाद फिर आगे का माहौल क्या हो रहा है वो देखते हैं। अंकल का भी अपना ही फैन बेस है यार, बहुत से टूरिस्ट आते हैं सिर्फ अंकल को सुनने के लिए भी। तो अंकल का पूरा गाना तो नहीं सुना पाऊंगा क्योंकि मेरे भाई कॉपीराइट आ जाएगा इस वजह से, लेकिन अंकल गाना जो गा रहे हैं, कहीं दूर जब दिन ढल जाए। अंकल की ओल्ड मेलोडीज उधर चल ही रही है, बहुत से अद्भुत अद्भुत गाने सुनने को मिल जाएंगे। आप जब भी आओगे ना तो इसी एरिया में, फुटपाथ वाले एरिया में आपको ये गाने सुनाते हुए मिल जाएंगे। तो पर्यटकों का मनोरंजन भी करते हैं। तो हम लोग ज़्यादा देर नहीं सुना, फिलहाल मैं पेड़ की छांव में बैठा हुआ हूँ और धूप छांव का सिलसिला चल ही रहा है, धूप आ रही है जा रही है। हाँ, चल रहा है क्रिकेट मैच। बाकी एक अपडेट बताई थी कि सामने पहाड़ पर जाने के लिए 50 रुपये देने पड़ेंगे, यार बड़ा ही अजीब सा लगा था, बट अभी तो फिलहाल यही नियम है। अब आई डोंट नो कब तक रहेगा, अगर फिर कोई जाता है हमें भी जाना होगा, लोकल्स या पर्यटक जो भी जाएंगे 50 रुपये दोगे जब 3 किलोमीटर की चढ़ाई करके फिर उस पहाड़ पे जाया जाएगा। चलो देखो यार, धूल भी उड़ रही है यार बीच बीच में, तो सूखा मौसम हो ही रहा है, बारिश की ज़रूरत है अब नैनीताल शहर को। 5 बजने वाला है और घर से कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है, और सामने रेनबो जैसा दिख रहा है ये बादलों का ये बीच में। तो थोड़ी देर बाद चलते हैं, तो ये शौर्य ने दिखाया मुझे, मैं अंदर घर में बैठा था, कि मौसम कैसा हो रहा है। सो दिन भर आज बादल ऐसे ही रहे हैं। तो हम खड़ी बाजार आ गए हैं और ढोल नगाड़ों की आवाज़ें पीछे कहीं से आ रही है, मेरे साथ कृष्णा और शौर्य दोनों हैं। तो चलो चलते हैं और सेलिब्रेट करते हैं लोहड़ी। सभी लोग वहाँ अंदर हैं, तो हम भी थोड़ा सा आगे को चलते हैं। यहाँ रंगोली भी बना रखी है, तो यहाँ पर लोहड़ी जलने का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। रिचुअल्स तो मुझे ज़्यादा नहीं पता है, बड़े पंजाबी महासभा नैनीताल हर साल खड़ी बाजार में लोहड़ी का आयोजन करती है, और इतनी संख्या में भाई पूरे ही बहुत ज़्यादा लोग दिख रहे हैं अभी। तो लेट्स सी, थोड़ी देर वेट करते हैं और हमारे पास ये जो जो चीज़ें हैं क्या पता आ पाएंगी। चलिए हम भी हाथ आगे करते हैं और प्रसाद लेते हैं, और ये शायद अग्नि में डालना होता है या ये खाना होता है ये नहीं पता। चलिए ये खाओ भी और अग्नि में भी डालिए। चलिए मिलते हैं, लोहड़ी की बधाइयाँ सबको, लोहड़ी की बधाइयां। चलिए भाई, और सभी एक राउंड ले रहे हैं। कृष्णा आगे चले गई है, वहाँ अम्मा के साथ है। अगर हम लोहड़ी त्योहार की बात करें ना, तो वैसे तो देखा जाए ये किसान भाई जो होते हैं सभी, तो वो अपनी नई फसलों को अग्नि को समर्पित करते हैं। वैसे मुझे बताने की ज्यादा जरूरत है नहीं इस लोहड़ी त्योहार के बारे में, बट एक छोटी सी जानकारी जो थी वो दे दी है। बाकी इस बहाने इन छोटे छोटे नौनिहालों को भी पता लग गया कि लोहड़ी क्यों मनाई जाती है। तो चलिए हम भी प्रसाद लेकर जाएंगे, इधर साथ ही साथ कॉफी भी मिल रही है। ये मुझे दे दीजिए। चलिए ले, हो गया। लो भाई, हमें मिल गया लोहड़ी का प्रसाद। ऐसा था आज का माहौल, एंड आई होप यू एंजॉयड। सो दिस इज इट फॉर टुडे, आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। सो एट लास्ट आपको क्या करना है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब, जो सब्सक्राइब वाला बटन है उसे तोड़ो मोड़ो जोड़ो, जो भी करो दबाना जरूर। मिलेंगे आपसे कोई और वीडियो में, तब तक के लिए टेरा।